जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल टेक राजकुमार दास मोबाइल एंड रेल इन्फो चैनल। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत की पहली रैपिड ट्रेन के बारे में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और वीडियो को एंड तक देखो, यह आपके लिए फ्री है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को पहली रैपिड ट्रेन RAPIDX की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित वसुंधरा सेक्टर 8 में बने स्टेशन से नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन है जिसे नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। उद्घाटन के बाद अब इस ट्रेन में 21 अक्टूबर से आम यात्री भी सफर का आनंद ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 किलोमीटर लंबे RRTS कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ ही इस पर चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल में यात्रा भी की। प्रधानमंत्री को यात्रियों और ट्रेन के चालक दल के सदस्यों से बात करते हुए भी देखा गया। पीएम मोदी ने साहिबाबाद और दुहाई डिपो स्टेशन को जोड़ने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की शुरुआत की। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। उद्घाटन समारोह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के साहिबाबाद स्टेशन पर हुआ। इस कॉरिडोर का काम पूरा हो जाने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय 1 घंटे से भी कम हो जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच इस कॉरिडोर में 5 स्टेशन हैं। ये स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुरधर, दुहाई और दुहाई डिपो हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिकता वाला खंड इसके उद्घाटन के एक दिन बाद 21 अक्टूबर को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ये सफर 12 मिनट में तय की जा सकेगी। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 17 किलोमीटर की यात्रा की जा सकेगी। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा 21 अक्टूबर से यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस ट्रेन में कई हाईटेक सेवाएं और यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों के लिए सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू होंगी और रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। रैपिड रेल में एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई 2 और 2 ट्रांसवर्स कुशन वाली सिटिंग होगी। हर सीट पर ऑनबोर्ड वाईफाई, लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, रैपिड रेल में CCTV, डायनामिक रूट मैप की सुविधा को भी शामिल किया गया है। रैपिड रेल तेज गति से चलेगी। ये हाई फ्रीक्वेंसी रीजनल कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। इसमें हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके अलावा रैपिड रेल में स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्लास होंगे। इसके साथ महिला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रैपिड रेल में उनके लिए कोच भी आरक्षित किए जाएंगे। दिल्ली से मेरठ पैसेंजर ट्रेन से सफर करने पर कम से कम ₹60 तक का किराया देना पड़ता है। वहीं बस का किराया लगभग ₹100 के आसपास है, लेकिन रैपिड एक्स का किराया ₹2 से ₹3 प्रति किलोमीटर की दर से होगा। इस रेल में यात्रा करने वाले पैसेंजर को साधारण किराया ₹20 से लेकर ₹50 तक देना होगा। वहीं प्रीमियम क्लास में यात्रा करने के लिए ₹40 से ₹100 तक का भुगतान करना होगा। पहले चरण में अगर आप साहिबाबाद से दुहाई के बीच प्रीमियम कोच में सफर करते हैं तो उसके लिए ₹80 किराया देना पड़ेगा, जबकि यदि स्टैंडर्ड कोच में सफर पर ये किराया ₹40 होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के लिए RRTS कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। NCRTC केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों का एक जॉइंट वेंचर है। NCRTC को दिल्ली और मेरठ के बीच भारत के पहले RRTS के निर्माण की देखरेख का काम सौंपा गया है। पूरे 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS को जून 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।